एक लड़की रहती है मेरे आने का मतलब कुछ नहीं है। लास्ट क्लास में मैंने एक नाम कर लिया, मैं आपने एक रिजल्ट नहीं आया। एक रीजन नहीं है, चार नंबर की बात है। अरे यार बहुत सारे टीचर है, मेरे दो तीन बच्चों का टीचर ने लगा रखा था, लेकिन मैंने उनकी ऐसी कैसी कर, मेरे बच्चे का लगा लिया, मैंने तो किसी का नहीं लगाया, मेरा इसमें लगाया, मैंने हाथी का घुमा लिया, सबका स्टेटस का पाल लिया हुआ था। इंपल्स अभी देखो, चलो मैं आपको लाइव दिखाता हूँ। देखिए आधा कुल विजन सत्ता जिसके पास 70-80 रुपए बंदे बच्चे पढ़ते थे, उनका कुल विजन जिस 90 लाने वालों की संख्या मात्र 10 से 10 भी नहीं, 5 है उसमें केवल तुम्हारा भाई समय पर 18 किसी भी कीमत पर कोई बच्चा सिंगल बच्चा केवल एक लड़की थी मेरे पास, जिसने अपने मुंह से बोला था कि भैया मेरे पूरे नंबर आएंगे, उसके आए भी पूरे। और इस स्कूल में वो पूरे बोल दी थी, पता नहीं क्या करें, क्या भी मर गई, तीन नंबर कट गया उसके पूरे का पूरे। अरे फिजिक्स का पेपर एक्चुअल में हमेशा ही आसान होता है, लेकिन आप ना कभी देखते ही नहीं हो उन चीजों को, बार बार देखोगे, जैसे आप केमिस्ट्री में 3 पेज पर पूरा चैप्टर खत्म हो जाता है, ठीक है। तो देखिए भैया, अब देखिए और एक बात और बोलो, रिवीजन रिवीजन मैं चालू कर रखा है मैंने आपके लिए, जस्ट फॉर यू, ठीक है भैया। तो आप लोगों का फर्ज है, ठीक है भैया, आप लोगों का फर्ज है कि आप लोग रिवीजन बैच में सारे हैं, और अभी खत्म नहीं हुआ। ओए मेरी बात सुनो, अगर जो रिवीजन बैच में ऑनलाइन या ऑफलाइन वेबसाइट पर, चाहे वो कोई भी हो, ठीक है, अगली क्लास में पूछ कर ऑनलाइन बेइज्जती कर कर वीडियो बनाकर शॉर्ट्स में अपलोड करूंगा। सुनो, अच्छा विकास ने भी जो विकास भैया की ऑफलाइन क्लास में आता तो ऑनलाइन आ सकते हो टाइम पे, तो भैया 7-10 या 7 मतलब छुट्टी कर देते, यहां तक आते आते आपने थोड़ा बहुत हाथ भैया से कह देना, हाथ जोड़ लेना थोड़ा भैया से, बड़े भाई की कोई बात नहीं, ठीक है। अब आपको अच्छा लगेगा तो वहां जाकर वहीं पे पेनों को रखे भैया, मैं बता दूंगा, आज 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 है रिवीजन, और आज जो रिवीजन होगा वो छठा चैप्टर है, 7 से 8 को ट्यूशन छोड़ के। अरे बस तीसरा चैप्टर, तो और भैया एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से, अभी कह रहा हूँ भैया, जिस प्रकार से पढ़ा रहा हूँ, जो क्वेश्चन करा रहा हूँ, और एक बात और भैया, रिवीजन क्लास में मैं पूरी थ्योरी और पूरे मेंटल करा रहा हूँ, किसी बच्चे से पूछ लेना, जो जो नोट्स में मैंने कराया ना सारा करवा रहा हूँ। और मात्र आपको पता है, अगर जो वो नोट्स मैंने 4 दिन में लिखवाया ना, तो मैं 40 मिनट की क्लास में पूरा खत्म कर देता हूँ,
ठीक है, और अगर सब सुन रहा था भैया गारंटी दे रहा हूँ, गारंटी दे रहा हूँ भैया, इसमें एक ठीक है, ये गारंटी दे रहा हूँ भैया, जिसने मेरी क्लास पहली क्लास ये रखी है उसको बहुत आसान हो जाएगा, चाहे उसको 5% ही क्यों समझ आ रहा है पहली क्लास में, वो दूसरी क्लास में उसको 100% समझ आएगा। इसलिए आप लोगों से हाथ जोड़कर विनती है, आप लड़कियां बोलेंगी तो पैक पढ़ लूंगा, लड़के बोलेंगे तो लड़किया दूंगा। तो अब ये भैया मैंने कुछ क्वेश्चन तुम्हें भेज रखे थे, बहुत आसान क्वेश्चन है, केवल केवल आपको पता भैया एक फॉर्मूला मैंने बताया था, फॉर्मूला क्या था भैया कि मैग्नेटिक फोर्स इक्वेशन में किसके बराबर होता है, याद है भैया, अगर चार्ज पार्टिकल परपेंडिकुलर तो मैग्नेटिक फील्ड आता है, तो उस वक्त मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है, BQB, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है, MV स्क्वायर अपॉन R। इसी फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हुए जितने भी न्यूमेरिकल मैंने भेजे थे सारे होंगे। पहला न्यूमेरिकल देखिए भैया, ध्यान दीजिए भैया, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बहुत आसान है, क्वेश्चन आपके पास पड़े हुए देखना, सारे क्वेश्चन भेज रखे हैं। पहला क्वेश्चन क्या कहता भैया, देखिए इसमें कंसेप्ट भी आपको पता लगेगा, ठीक है, इसमें आपको एक नई बात भी पता लगेगी कि आपकी मैग्नेटिक फील्ड है क्या है भैया, मैग्नेटिक फील्ड है, ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड है, और इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन क्या हो भैया, एंट्री मारता है विद वेलोसिटी वी, इलेक्ट्रॉन एंट्री मार रहा भैया विद वेलोसिटी वी, तो बच्चा बताइए फोर्स कहां पर लगेगा, ध्यान दीजिए लेफ्ट हैंड रूल यूज करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड अंदर करंट पीछे पीछे अगर पॉजिटिव चार्ज होता तो करंट यहीं पे होता, लेकिन इलेक्ट्रॉन का करंट क्या होगा, विपरीत दिशा में होगा, गति की विपरीत दिशा में, फोर्स कहां लगेगा, नीचे। तो आपको पता है ये जैसे ही एंट्री मारेगा, ध्यान दीजिए भैया जैसे ही ये मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एंट्री मारता है, तो आपको पता है ये फोर्स कहां लगने लगा, इसके ऊपर नीचे, और वो इसको क्या करेगा, ऐसा पाथ ड्रॉ करेगा, लेकिन जो जैसे ही वो यहां पे आएगा, यहां पर आता है, वैसे क्या होता है भैया, यहां पे मैग्नेटिक फील्ड खत्म, मैग्नेटिक फोर्स खत्म, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स खत्म, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी खत्म होगा ना, क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स इक्वल टू में, और जब तक मैग्नेटिक फोर्स रहेगा तब तक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जैसे मैग्नेटिक फोर्स खत्म वैसे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी क्या होगा, अब पार्टिकल क्या होगा, सीधा निकल जाएगा। यानी एक बात यहाँ पर हमें क्या पता लग रही है कि अगर चार्ज पार्टिकल बाहर से मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एंट्री मारता है तो कभी भी वो कंप्लीट सर्कल नहीं कर पाता, क्या करता भैया, यहाँ पे वो नहीं होता स्नैपचैट, यहाँ पे फिल्टर लगा लेते ताकि मैं देखो तुम्हें सही दिखे, तो अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल बाहर से मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एंट्री मारता है तो उसका पाथ कैसा होता है भैया, सेमी, लेकिन अगर वो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ही चल रहा है तो कैसा होगा भैया, सर्कुलर या हेलिकल, सर्कुलर कब होगा जब वो परपेंडिकुलर में मोशन और मैग्नेटिक फील्ड रहेगा, और हेलिकल कब होगा जब वो थीटा एंगल है, रेडियस निकालो, तो आपको पता भैया ये रिलेशन आपको पता है, मैग्नेटिक फोर्स इक्वल्स टू क्या होता भैया, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, बोला हाँ, बी से बी, तो रेडियस क्या आ गया भैया, एम बी अपॉन में, अरे ये तो मास की तरह का इलेक्ट्रॉन है तो मास क्या होगा, 9.1 × 10⁻³⁻³ बेटा वेलोसिटी क्या है इस क्वेश्चन में, ध्यान से देखोगे तो वेलोसिटी क्या मिलेगी, 4 × 10⁴ मीटर पर सेकेंड, और भैया मैग्नेटिक फील्ड कितनी रखी है, 0.10⁻⁵ टेस्ला, 10⁻⁵ ये भैया, और आपको क्या रखा भैया, चार्ज इलेक्ट्रॉन में चार्ज आप सबको पता है, अरे यही होता है रेडियस निकालती निकल गई रेडियस। अब इसका थर्ड पार्ट क्या कह रहा है, देखिए ध्यान दीजिए बेटा, इसका थर्ड पार्ट क्या कह रहा है, इसका थर्ड पार्ट कह रहा है भैया कि इसको इस साइकिल को कंप्लीट करने में, हाफ साइकिल को कंप्लीट करने में कितना टाइम लगेगा,
तो कंप्लीट साइकिल को कंप्लीट करने में, कंप्लीट साइकिल को कंप्लीट करने में कितना टाइम लगता है? 2 पाई आर अपॉन में वेलोसिटी। मतलब हाफ साइकिल क्या हुआ? आधा टाइम, टाइम आधा लगा हाफ साइकिल। तो भैया पाई की वैल्यू तो आपको पता ही है 3.14, रेडियस आपने निकाल रखी, बोलो हाँ। वेलोसिटी आपको दे रखी 10^-, क्या है 4×10^4। सॉल्व कर लो भी, आंसर आ गया, बोलो हाँ। जय श्री राम, हो गया। अपनी गंदी से अगला क्वेश्चन यार, ऐसी बातें बिल्कुल, जब मैं अपने गली के बाहर से गुजरता हूँ ना तो एक इंस्टीट्यूट में पीछे देखता हूँ और मुझे बड़ा अच्छा लगता है। मैंने तो बार बात कर रहा हूँ, मेरा रिजल्ट अच्छा बनवा रहे थे, मुझे अच्छा नहीं लगा। जब भी लाता हूँ भाई वहां पे पीछे अब केमिस्ट्री में तो भाई हर बच्चे के नंबर बेटा, घोड़ा जिसने कुछ नहीं किया हुआ उसके भी नंबर बच्चों ने नहीं किया, उसके नंबर है 65 नंबर। अभी दिखाऊंगा जी, एक वहां से जोशी है केमिस्ट्री में उसके 95, फिजिक्स में 58, मैथ में 45, बायोलॉजी में पता नहीं कंपार्टमेंट में लेता, विकास में पढ़ता, मेरे को पढ़ता था, कंप्यूटर पढ़ता था। चलो पागल है क्या? ये देखो रिजल्ट देखो। अरे मैं चौंक रहा हूँ फाइनल्स। अरे मैं दिखा रहा हूँ। ये रिजल्ट देखो, ये रिजल्ट आपके लिए। Just for you. किसी का मजाक उड़ाए कोई फायदा नहीं। भाई प्लीज अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा भैया, इलेक्ट्रॉन रेडियस कितनी भैया बात की? 0.2 मीटर। भाई प्लीज बोलिए मत, रेडियस कितनी है? 0.2 मीटर। प्लीज फोन में चलाइए, बैग का सारा लेकर जा दीजिए, ठीक है। और कह रहा भैया मैग्नेटिक फील्ड कितनी है? माइनस 3 टेस्ला। ओए आप क्वेश्चन नंबर 2 अगला क्वेश्चन, वो प्रॉपर अलाइनमेंट दे रखा है मैंने उसमें, रेडियस ये रखी है, मैग्नेटिक फील्ड ये रखी है। कह रहा भैया मैग्नेटिक फील्ड के अंदर क्या भैया? परपेंडिकुलर है और जो चार्ज है वो इलेक्ट्रॉन, क्या भैया? इलेक्ट्रॉन निकालना, क्या क्या भैया? ओए याद दीजिए पहला पार्ट, क्या भैया क्या निकालना है? स्पीड निकालनी है, दूसरा क्या निकालना है? पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, और क्या निकालना है? थर्ड एक्सेलरेशन, अच्छा पोटेंशियल डिफरेंस, तो चीज निकाल लिए। तो भैया देखिए क्या दीजिए हमें, क्या क्या बताया? रेडियस, मैग्नेटिक फील्ड, परपेंडिकुलर है, और क्या निकाला? चार्ज रखा है, ठीक है, चार्ज का इलेक्ट्रॉन है। तो भी हमें क्या निकालनी है? वेलोसिटी। अच्छा एक, अभी मैंने आपको एक रिलेशन बताया था,
बी क्यू वी इक्वल टू में एम बी स्क्वायर अपॉन में बताता तो भी आपको बी से भी क्या हुआ कैंसिल हो गया तो बी की वैल्यू क्या होगी बी क्यू आर अपॉन में एम देखेंगे बी कितना भैया 2 × 10⁻³ चार्ज कितना 1.6 × 10⁻¹⁹ और रेडियस क्या रखी भैया 0.2 और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता भैया 9.1 × 10⁻³¹ वेलोसिटी आ गई भैया वेलोसिटी आ गई। अब कह रहा है भैया इसी वेलोसिटी से एक इलेक्ट्रॉन इस पोटेंशियल के अंदर एक्सेलरेट कर रहा है। अब समझिए जरा इसको कैसे एक्सेलरेट करता है। ये भैया देखिए ये प्लेट है क्या है प्लेट के बीच में क्या सेटअप होती है भैया इलेक्ट्रिक फील्ड क्या सेटअप होती है। अब देखिए भैया ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों आती है इस पोटेंशियल की वजह से ये रहा पोटेंशियल। अच्छा देखिए भैया इसके बीच में अगर मैं इलेक्ट्रॉन रख दूंगा ओए इलेक्ट्रॉन रख दूंगा ये क्या प्लस है और ये क्या भैया इलेक्ट्रॉन कहां पे एक्सेलरेट करेगा प्लस की तरफ सेंटर तरफ भागेगा तो इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी आई कहां से इस पोटेंशियल की वजह से ना पोटेंशियल की वजह से जो एनर्जी आती है उसे कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी। क्या कहते हैं भैया वो E इनटू में बी के बराबर होती है। याद है ना पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू पोटेंशियल इनटू में चार्ज याद है सेकंड चैप्टर। अब पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू पोटेंशियल इनटू में चार्ज सेकंड चैप्टर। तो यहाँ पर जो इस इलेक्ट्रॉन के अंदर पोटेंशियल जिसकी वजह से जो एनर्जी आई है वो इस पोटेंशियल की वजह से आई है तो एनर्जी कितनी होगी चार्ज इनटू में पोटेंशियल और यही एनर्जी की वजह से इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है भाग रहा है क्या कर रहा है भाग रहे अभी क्या भी है हाफ एम बी स्क्वायर क्या रहे आपको क्या निकालना है भैया पोटेंशियल तो भैया क्या हुआ हाफ एम वी स्क्वायर अपॉन में क्या हो गया भैया तो भैया आपको पोटेंशियल तो निकालना है हाफ मास कितना भी इलेक्ट्रॉन का मास पता है बोला हाँ वेलोसिटी एरी बोला हाँ चार्ज इलेक्ट्रॉन पता है बोला हाँ बोलो हाँ फोटो खींचो बेटा देखिए भैया अरे नहीं सीबीएसई फॉरम 2017 में आ रखा था बहुत आसान क्वेश्चन अरे क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा बच्चा कह रहा इलेक्ट्रॉन आफ्टर बीइंग एक्सेलरेटेड थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस। देखिए भैया एक इलेक्ट्रॉन है कौन है भैया चार्ज क्या है इलेक्ट्रॉन कितने पोटेंशियल में एक्सेलरेट कर रहा है वो जो भाग रहा है एक्सेलरेट कर रहा है मतलब भाग रहा है कितने में कर रहा है बोल दे 4 वोल्ट पर मीटर वोल्ट पर मीटर नहीं भाई वोल्ट है ना उसमें सिंपल पोटेंशियल है ना हां बोल आगे बोल मैग्नेटिक फील्ड हमने कितने रखे 0.04 टेस्ला है ना और क्या रखा है अब मैग्नेटिक फील्ड क्या भैया वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड क्या है परपेंडिकुलर है क्या क्या निकालना बच्चा रेडियस निकालना है दूसरा बस निकल। अब देखो ना रेडियस का फॉर्मूला भी पीछे ड्राइव किया था हमने क्या था एम बी अपॉन में बी क्यू बी तो पता ही नहीं है हमें ये तो पता है ना कि ई बी क्या होता है आप एम बी स्क्वायर के बराबर होता है बोलो हाँ बोलो ना ये अब हमें बता दिया v की वैल्यू क्या होगी 2EV अपॉन में m इसका स्क्वायर क्या है क्या अंडर रूट बोला हाँ तो बच्चे ये हो जाएगा। देखिए मैं सॉल्व इसलिए नहीं करा रहा पहले बता रहा भैया अगर मैं सॉल्व करा दूंगा तो आप लोग कुछ भी नहीं करोगे भैया इसलिए मैं तो सॉल्व कराने में कोई दिक्कत नहीं पहले बता रहा हूँ मैं आंसर निकाल दूँ यहाँ से देख के ऐसे बता दूँ लिख दूँ काटा पेज करके कर दूँ उससे कोई दिक्कत नहीं लेकिन भैया आप लोग तो करोगे ना फॉर्मेलिटी क्यों करेंगे पूरा 1.6 × 10⁻¹⁹ बेटा पोटेंशियल कितना ओहो ये रहा
10 की पावर 4 और नीचे क्या भी है मास 9.1 * 10 की पावर किलोमीटर भी आ गया। अबे आगे भी हां बेटा ये देखो m तो दे रखा है 9.1 × 10⁻¹ चलो हां v ये रहा मैग्नेटिक फील्ड ये रही और चार्ज क्या है इलेक्ट्रॉन पे 1.6 × 10⁻¹। एक बार बता दे भैया यहाँ की जब वैल्यू यहाँ पर रखोगे तो बहुत सारी चीजें क्या उत्तर मिल जाएगी ये भैया, तो इसलिए आपको डायरेक्टली सॉल्व करना है रेडियस यहाँ पर ये रेडियस क्या और सॉरी वेलोसिटी है वेलोसिटी ये जो वेलोसिटी थी ना ये वाली वैल्यू भैया कर लो बेटा आ गया आंसर हो गया रेडियस अगला बोलो भैया अनसोल्व वाला आपको करना भैया देखिए भैया ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये वाला तो सीबीएसई का था अब एनसीईआरटी का नहीं आया क्वेश्चन नंबर 4 बेटा कह रहा है कोऑर्डिनेट एक्सिस है एक्स वाई जेड ठीक है बोला भैया इफ अ पार्टिकल चार्ज क्यू इज मूविंग विद अ वेलोसिटी बी अलोंग जेड एक्सिस कह रहा भैया बी वेलोसिटी से किसके अलोंग मूव रहा है जेड एक्सिस अगला क्या बोल रहा है द मैग्नेट मैग्नेटिक फील्ड इज एक्टिंग अलोंग द एक्स एक्सिस मैग्नेटिक फील्ड कहां लग रही भैया एक्स एक्सिस मैग्नेटिक फील्ड कहां लग रही है एक्स एक्सिस पे तो कह रहा भैया एक्स एक्सिस यूज द एक्सप्रेशन आपको इस वाली एक्सप्रेशन का यूज करना है मैग्नेटिक फोर्स का यूज द एक्सप्रेशन फाइंड द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स एक्टिंग ऑन इट कह रहा भैया इस वाली एक्सप्रेशन का यूज करते हुए आप फोर्स की डायरेक्शन बताइए भैया खैर इसके अंदर आंसर गलत लिखा हो तो इसके आंसर मत लिखिए ओए मैग्नेटिक फील्ड कहां पे है वेलोसिटी कहां पे है भैया हम जानते हैं भैया यहां पर मैग्नेटिक फील्ड वेलोसिटी क्या है भैया परपेंडिकुलर और जब हम इन दोनों का क्रॉस करेंगे तो वो भी क्या होगा भैया परपेंडिकुलर होगा x के भी परपेंडिकुलर और z के भी क्या होगा आपको बता दूं भैया अगर a क्रॉस b ध्यान दीजिए भैया a क्रॉस b बराबर में c आ रहा है तो ये जो c होगा रिजल्ट वो a के भी परपेंडिकुलर होगा और ये जो c है वो क्या है भैया b के भी परपेंडिकुलर होगा यानी जो क्रॉस का रिजल्ट आता है वो दोनों के ही क्या होता है परपेंडिकुलर यहां पर b क्रॉस b करूंगा तो जो रिजल्ट आएगा यानी फोर्स आएगा रिजल्ट का फोर्स आएगा वो रिजल्ट v के भी परपेंडिकुलर होगा और b के भी ये कहां पर होना चाहिए हो अगर ये x पे है ये z पर पे कहां करना चाहिए भैया y पर होना चाहिए भैया ना क्योंकि x के परपेंडिकुलर y होता है और z के भी परपेंडिकुलर कौन होता है भैया y होता है तो फोर्स कहां करना चाहिए इसका समझे भैया चलो भैया आगे बढ़ते भैया इसका सेकंड पार्ट करते हैं पहला पार्ट समझ में आ गया इसका सेकंड पार्ट यहीं पे पूछा है ये फर्स्ट पार्ट देखिए भैया डाटा होता है डाटा होता डाटा होता हां देखिए भैया अब बीम ऑफ प्रोटॉन ध्यान दीजिए अब पूछूंगा इसे एक बीम है जिसको इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के अंदर छोड़ा जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड भी अपने पास और मैग्नेटिक फील्ड भी है वहां पर छोड़ा गया कह रहा भैया वो बीम क्या भैया ना तो ऊपर जाती है ना जी नीचे आती सीधे सीधे निकल जाती है अनडिफ्लेक्टेड क्या भैया मैंने आपको कल ही परसों ही बताया था कि अनडिफ्लेक्टेड कंडीशन होती क्या तो आपको याद होगा भैया अनडिफ्लेक्टेड कंडीशन क्या होती है अरे इतना बी बोलो हाँ अनडिफ्लेक्टेड कंडीशन में इतना तो बेटा ई कितना रखा है 100 किलो बोले तो 10³ 100 किलो बोले तो 10³ वोल्ट पर मीटर ये इलेक्ट्रिक फील्ड रखी है और जो मैग्नेटिक फील्ड रखी है कितने रखी है 50 मिली टेस्ला सॉल्व कर लो भैया वेलोसिटी आ गई बोला हाँ आ गई वेलोसिटी अनडिफ्लेक्टेड बोल दिया तो हमें पता यही कंडीशन अनडिफ्लेक्टेड के अंदर आती है ठीक है अभी क्या निकालना अपने को निकालना भैया देखिए अपने को निकालना भैया ध्यान दीजिए अपने को क्या निकालना है यहाँ पर हमें निकालना भैया कि ये जो ये इतनी वेलोसिटी से इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं ठीक है भैया इतनी वेलोसिटी अभी कह रहा भैया जो इससे इस इलेक्ट्रॉन के चलने पर जो करंट आ रहा है वो करंट कितना देखा क्वेश्चन में इलेक्ट्रॉन के चलने पर जो करंट आ रहा है वो देखा 0.8 मिली एम्पियर
ये तो क्या भैया जीरो पॉइंट मिली एम्पियर और ठीक है भैया। तो अब देखिए भैया ध्यान दीजिए मैं आपको बता दूं पावर जो होती है वो एक सेकंड की क्या होती है एनर्जी होती है। सुन ले पावर क्या होती है वो एक सेकंड की एनर्जी होती है। क्या होती है एनर्जी अपॉन में टाइम यानी एक सेकंड की एनर्जी। करंट जो होता है वो चार्ज अपॉन में टाइम होता है। क्या होता है भैया यानी एक सेकंड का चार्ज होता है। एनर्जी अपॉन में टाइम क्या होता है भैया एनर्जी अपॉन में टाइम क्या होता है भैया पावर और पावर को कहते हैं भैया एक सेकंड की एनर्जी। तो चार्ज अपॉन में टाइम क्या होता है भैया करंट यानी करंट जो होता है वो एक सेकंड का क्या होता है भैया चार्ज होता है। एक सेकंड का क्या होता है चार्ज। तो भैया टाइम का रेशियो को जब मैं देखूं रेशियो की बात करूं और वो रेशियो टाइम के रिस्पेक्ट में जैसे एनर्जी अपॉन में टाइम इसका मतलब ये जो चीज आई है ना वो एक सेकंड की क्या हुई एनर्जी एनर्जी होगी। चार्ज अपॉन में टाइम ये जो आया है वो क्या होगा एक सेकंड का चार्ज होगा। एक सेकंड की एक है एनर्जी एक सेकंड का एक है चार्ज। अरे ये देख रहे हैं एनर्जी है तो ये एनर्जी होगा एक सेकंड का ये चार्ज तो ये क्या होगा एक सेकंड का चार्ज। यानी जो करंट होता है एक्चुअल में वो एक सेकंड का क्या होता है भैया चार्ज। क्या होता है भैया तो एक सेकंड में अपने को कितना चार्ज मिला कितना मिला एक सेकंड में अपने को कितना चार्ज मिला करंट का था एक सेकंड का चार्ज। तो एक सेकंड में अपने को कितना चार्ज मिला कितना मिला। अरे तो आपको पता है अगर ये चार्ज है फोर वन सेकंड एक सेकंड का अगर ये चार्ज है तो आपको पता चार्ज क्या होता है पता क्यू होता है ना चार्ज और चार्ज की वैल्यू कितनी है क्यू इक्वल्स टू में एन क्यू इक्वल्स टू क्या होता है भैया ये जो भी मैं कह रहा हूँ वो एक सेकंड के लिए है फोर वन सेकंड के लिए। तब चार्ज की मैं कर दूंगा 0.8 मिली बोले तो इतना कूलाम पर सेकंड मतलब करंट की जो है एसआई यूनिट होती है ना कूलाम पर सेकंड होती है या नॉर्मली आप एम्पीयर की कर सकते हैं भैया। और ये किसके बराबर होगा एनई के क्या होगा तो एक सेकंड ये क्या भैया एक सेकंड का चार्ज और उस एक सेकंड की चार्ज की वैल्यू ये है। तो एक सेकंड में कितना चार्ज का नंबर कितना जा रहा है एन की वैल्यू बताओ एक सेकंड के ये क्या भैया दोबारा मैं बोलता हूँ भैया ये एक सेकंड का कुल चार्ज है ये एक सेकंड का और चार्ज किससे निकलता है इलेक्ट्रॉन से निकलता है। तो कितने इलेक्ट्रॉन होंगे एक सेकंड में तो एन इलेक्ट्रॉन होंगे एन की वैल्यू क्या होगी 0.8 × 10⁻³ अपॉन में क्या होगा भैया टी इतने इलेक्ट्रॉन एक सेकंड के अंदर जा रहे हैं। आपको पहला पार्ट बड़ा आसानी समझ आ गया होगा कि आपको पता भैया मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर है वेलोसिटी यहाँ पर है तो फोर्स क्या होगा इक्विलेटरल परपेंडिकुलर ठीक है। दूसरे पार्ट में कह रहा है भैया कि अनडिस्ट्रक्टेड कंडीशन है इलेक्ट्रिक फील्ड रखी है मैग्नेटिक फील्ड रखी है आपने वेलोसिटी निकाली है ना। तीसरी पार्ट में कह रहा है भैया कि बताइए कितना ये बीम जा रही है इलेक्ट्रॉन की बीम जा रही है उस बीम की वजह से इतना करंट आ रहा है कह रहा है इतना करंट आ रहा है। आपको पता करंट कुछ और नहीं होता है एक सेकंड का क्या होता है चार्ज होता है। चार्ज क्या होता है एनी यानी ये एक सेकंड का चार्ज है और ये एक सेकंड का चार्ज है वो किससे निकल हुआ एनी से एन क्या है नंबर ऑफ चार्ज इन वन सेकेंड और ये क्या भैया चार्ज ऑन सिंगल इलेक्ट्रॉन। तो भैया हमने डिवाइड कर दिया एक सेकंड का ये क्या भैया एक सेकंड का क्या क्या भैया नंबर ऑफ चार्ज इतने इलेक्ट्रॉन एक सेकंड में जाके स्क्रीन पे टकरा रहे इतने इलेक्ट्रॉन एक सेकंड में स्क्रीन से टकरा रहे। तो कह रहे भैया इतने इलेक्ट्रॉन मिलकर कितना फोर्स लगा रहे हैं स्क्रीन पर इतने इलेक्ट्रॉन मिलकर कितना फोर्स लगा रहे हैं। तो भैया मैं बता दूं एक सेकंड का मोमेंटम फोर्स के बराबर होता है पता क्या होता है फोर्स क्या होता है मोमेंटम ऑफ मोमेंट टाइम ही तो होता है। तो ये क्या हुआ अब जब ये एक सेकंड की एनर्जी थी ये एक सेकंड का चार्ज था तो ये एक सेकंड में क्या हुआ मोमेंटम ही तो होगा। अपने को पता भी है एक सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं तो इतने इलेक्ट्रॉन की वजह से एक सेकंड में कितना मोमेंटम आया वो निकाल लेंगे और वही मोमेंटम क्या हुआ फोर्स के बराबर क्योंकि एक सेकंड का मोमेंटम किसके बराबर होता है फोर्स के बराबर। तो भैया आप देखिए हमें क्या करना है देखिए फोर्स इक्वल्स टू में वन सेकंड मोमेंटम एक सेकंड के मोमेंटम को क्या कहते हैं भैया फोर्स का। तो एक सेकंड में कुल कितना मोमेंटम होगा तो एक सेकंड के अंदर कुल चार्ज बोलो हाँ कितना चार्ज है एक सेकंड में एल एक चार्ज का मास कितना था एम और एक चार्ज की वेलोसिटी कितनी थी यानी एक सेकंड का जो फोर्स होगा वो एन एम बी के बराबर होगा। इसके बराबर होगा एन क्या है एक सेकंड के अंदर टकराए हुए इलेक्ट्रॉन स्क्रीन से एक इलेक्ट्रॉन का
मास, एक इलेक्ट्रॉन की एक इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम इनटू में एन, एक सेकंड का क्या हो गया मोमेंटम। एन की वैल्यू अपने ने हमने यहां से निकाल ली, बोला हाँ एन की वैल्यू निकाल ली, निकाल ली। अतः एम की वैल्यू इलेक्ट्रॉन पे आप जानते हो इलेक्ट्रॉन का मास क्या होता है 9.1 इनटू 10 टू द पावर माइनस 31 और वेलोसिटी अपनी यही वेलोसिटी यही यूनिट लिखा हुआ या फोर्स मीटर आया, बोलो हाँ कर दिया हमने क्वेश्चन। ये भैया क्या सब बेटो तू फोटो ले रही ये क्वेश्चन बड़ा एनसीईआरटी का था, अच्छा लगा क्वेश्चन एनसीईआरटी बेटो भाई। रिकॉर्डिंग देख के मेरे को कितना भाई रिकॉर्डिंग देख के मैं तो सोच रहा हूं ये बता रहा हूं ओए अटेंडर साले इसको। अगला क्वेश्चन क्या भैया एनसी का ओए सीबीएस एनसीईआरटी क्वेश्चन है बेटा दोबारा से। मैग्नेटिक फील्ड कितनी है 0. अब बोलना साले 8 गॉस क्या भैया 8 गॉस, गॉस इज द सीजीएस यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। 1 गॉस इक्वल्स में 10 टू द पावर माइनस 4 टेस्ला, एक बॉस की वैल्यू का 10 टू पावर माइनस 4 टेस्ला, तो ये कितना हुआ माइनस 4 टेस्ला के बराबर हो गया। गॉस की वैल्यू याद दीजिए मैग्नेटिक फील्ड रखिए और क्या रखा है स्पीड कितनी है 4 इंटू 10 की पावर 6 मीटर पर सेकेंड। क्या क्या निकाल लो भैया एंगल्स परपेंडिकुलर ला, अच्छा मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी एक दूसरे क्या भैया परपेंडिकुलर, ठीक है तो थीटा का क्या भैया परपेंडिकुलर। अभी क्या क्या निकाल रहा पहले पार्ट में बोल डिस्क्राइब दी पाथ, तो ये पाथ का नेचर कैसे होगा, तो ये पाथ का नेचर तो अपने को पता है ये सर्कुलर होना है परपेंडिकुलर सर्कुलर, पहला क्या भैया सर्कुलर सर्कुलर नेचर पाथ होगा, लेकिन इस सर्कुलर सर्कुलर से काम भी चलेगा इसकी रेडियस भी हमें बतानी है, क्या बतानी पड़ेगी बेटा आपको रेडियस पता है एम बी अपॉन में पीछे वाला फॉर्मूला याद है, मास पता भी है कितना कौन है ये है कौन ये प्रोटॉन है क्या इलेक्ट्रॉन है इलेक्ट्रॉन है इलेक्ट्रॉन है भैया, तो अपने को क्यों मास पता लग गया इलेक्ट्रॉन का 9.1 इनटू 10 टू द पावर माइनस 31 वेलोसिटी पता है अपने को पता है मैग्नेटिक फील्ड पता है ये पता है और चार्ज पता है आगे पहला पार्ट बोलो हाँ सेकंड पार्ट बोलो फ्रीक्वेंसी ओहो ठीक है फ्रीक्वेंसी क्या था 2πm कौन बी क्यू था ना तो बी क्यू कौन में 2πm अब बी पता है क्यू पता है क्यू पता हमें पाई पता है एम पता है हो गया दिमाग मतलब यहाँ पे लगाने के लिए बैठो पांच 10 की पावर 5 मीटर पर सेकंड। ओए
एंगल में रखा इस बार परपेंडिकुलर नहीं जा रहे, कितना रखा है 60 डिग्री का, बोलो हाँ क्या निकालना है, बोल दे रेडियस ऑफ हेलिकल पाथ, पता तो भैया हेलिकल पाथ की रेडियस तो आपको निकलवा रखी है अपने, अबे क्या था रेडियस, अबे ये था ना फॉर्मूला क्या था बी क्यू बी साइन थीटा एम बी साइन थीटा अपॉन में बी क्यू, बोलो हाँ एम पता है 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 27 किलोग्राम, बी पता है ये रहा साइन थीटा क्या होता है 60 डिग्री, मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड दे रखी है 0.3 टेस्ला, टेस्ला दे रखी है बोलो हाँ, चार्ज ऑन प्रोटॉन पता है बोलो हाँ 1.6 इनटू 10 पावर, हो गया पहला पार्ट, बताओ ये आईआईटी में आ रखा, आईआईटी एडवांस में जब स्क्रीनिंग होती थी प्रीलिम्स होते थे बहुत हार्ड होता था पहले आईआईटी, अब तो छोटा कर दिया, पहले दो एग्जाम होते थे बैक टू बैक, एक स्क्रीनिंग होती थी पहले जिसे आप जेल कहते हो ठीक है, फिर होता था प्रीलिम्स ठीक है, तो ये मैं पिच का फॉर्मूला आया था तो मेरे को याद नहीं है, पिच क्या था bx इनटू में टाइम याद है, अब तो bx क्या था v cos थीटा और टाइम क्या था bx साइकिल का टाइम याद है 2 पाई m अपॉन में v, अब v पता है ये रहा cos थीटा क्या था cos 60 2 पाई मास ऑफ इलेक्ट्रॉन पता है, मैग्नेटिक फील्ड पता है, चार्ज इलेक्ट्रॉन पता है, तो भैया हो गया सॉल्व, निकल आएगी पिच, ये आया था आईआईटी 1986 याद करना हो तो पक्का कर लेना, इसको गारंटी है, फोटो ले लो भैया आज की क्लास है ना, ओए अंत कर दो ठीक है भैया, ओए।